दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की एक राजनीतिक पार्टी है तो क्षेत्रीय दल, लेकिन चर्चाएं उसकी हमेशा बनी रही हैं पिछले 4-4.5 साल से। है तो वो क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन काम उसके ऐसे चले कि जिससे कि हरियाणा की सरकार भी उन्हीं के कंधे पर चलती रही। और अब एक बार फिर उस पार्टी की चर्चा चल पड़ी कि क्या वो पार्टी विलय कर सकती है हरियाणा और देश की सत्ताधारी पार्टी के अंदर। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कि क्योंकि जब से ये बात चल पड़ी, हालांकि मीडिया के अंदर तमाम प्रकार की बातें चलती हैं, उनके अंदर कई तथ्य भी होते हैं, कई लोग बिना तथ्य के भी बात कर दिया करते हैं। हालांकि बिना तथ्य के जो बात कही जाती है, जिन बातों के पीछे कोई गहराई नहीं होती, उन लोगों को बाद में लोग सुनना, देखना और समझना बंद भी कर देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो बिना तथ्य के बात कही जाती है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जरूर जाता है, खासकर मीडिया युग के अंदर या मीडिया के संस्थानों में भी। मैं आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा की क्षेत्रीय दल है, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है जननायक जनता पार्टी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अस्तित्व में आई, यानी कि 2018 के अंत में। चौधरी देवीलाल के वंशज हैं इस पार्टी के, जो कर्ता धर्ता संचालक हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार इस पार्टी को चलाता है। अपने परिवार से, अपने गृहजनों से, अपने स्वजनों से अलग होकर ये राजनीतिक दल बना। मुद्दे कुछ भी रहे हों, कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन राजनीतिक दल बना 2018 के अंत में। और अगर जननायक जनता पार्टी के बारे में आप एक लाइन में एक बात कह दें, तो ये कह सकते हैं कि बहुत छोटे समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की पार्टी ने। लेकिन जिस तेजी से जननायक जनता पार्टी का ग्राफ चढ़ा था, अगर मैं ये कह दूं कि उससे 3 गुना ज़्यादा तेजी से पार्टी का ग्राफ नीचे भी गया। और अब चर्चाएं चल पड़ी कि जननायक जनता पार्टी का क्या भारतीय जनता पार्टी में विलय होगा, क्या जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जाएगी। एक न्यूज़पेपर ने और एक किसी टीवी चैनल ने ये खबर चलाई, और जिसको लेकर के दुष्यंत चौटाला पीड़ित भी हुए, दुष्यंत चौटाला को पीड़ा भी हुई। और दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 पोस्ट की। मैं पहले आपको उनकी वो पोस्ट बताता हूँ कि उन्होंने पोस्ट में क्या कहा। पहली पोस्ट में दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी के बारे में एक भ्रामक और आधारहीन खबर एक समाचार पत्र और एक टीवी चैनल पर प्रचारित की गई है। पार्टी ऐसी गलत खबर का पूर्णतः खंडन करती है और खबर का प्रकाशित करने वालों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। यानी कि इस पोस्ट में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिन लोगों ने ऐसी खबर चलाई थी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी पोस्ट ये थी कि मैं जेजेपी से जुड़ी एक बेबुनियाद खबर को कई प्लेटफॉर्म पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से फैलाए जाने से बेहद निराश और गुस्से में हूँ। हमारी पार्टी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, सत्य की जीत होनी ही चाहिए। तो ये 2 पोस्ट दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की। एक में उन्होंने कहा कि वो बहुत गुस्से में है और पीड़ा में है और क्षोभ में है, और कहा कि सत्य की जीत होनी चाहिए। दूसरे में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस प्रकार के भ्रामक खबरें फैलाई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये उनका राइट है और करनी भी चाहिए। खैर, अब मैं आपसे उस बात पर आता हूं कि आखिर ये खबरें चली क्यों होंगी, इन खबरों का सोर्स क्या होगा, बेस क्या होगा, आधार क्या होगा इन खबरें चलने का। और दूसरी बात दोस्तों ये कि आखिर क्या राजनीति के अंदर संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं या खत्म भी हुआ करती हैं। जवाब भी आप पे छोड़ूंगा, लेकिन पहले आपसे बात कर लेता हूं कि आखिर ये खबरें चली क्यों होंगी। 2019 के जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मैंने आपको पहले ही बताया कि जननायक जनता पार्टी अस्तित्व में आई। जननायक जनता पार्टी इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के ही नेता थे दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, ये सभी लोग। नैना चौटाला विधायक थी इंडियन नेशनल लोकदल की, और दुष्यंत चौटाला सांसद थे इंडियन नेशनल लोकदल के। पार्टी से अलग हुए और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जननायक जनता पार्टी बन गई। और जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन किया आम आदमी पार्टी से।
जेजेपी क्यों बनी, क्यों अस्तित्व में आई, इंडियन नेशनल लोकदल से अलगाव क्यों हुआ, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं और इन पर अब ज़्यादा जानने की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत भी नहीं है। कारण कुछ भी रहे हो, पार्टी बन गई। अगला जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तीन सीटों पर चुनाव लड़ी, तीन सीटों पर जननायक जनता पार्टी और 7 सीटों पर चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी, दोनों के हिस्से 10 की 10 सीटें हार ही आई। जरूर दुष्यंत चौटाला हिसार में दूसरे नंबर पर रहे, ये जरूर हुआ। अब अगली बात आपसे करें तो फिर उसके बाद में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी अपने बूते अपनी ताकत पर चुनाव मैदान में उतरी, किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं हुआ। अप्रत्याशित तरीके से जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक बन गए, 10 लोग चुनाव जीते और 10 लोग जो चुनाव जीते और किंग मेकर बन गई जननायक जनता पार्टी। वो जननायक जनता पार्टी जिसके नेता दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार भेजने के आह्वान के साथ चुनाव लड़ा, वही दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी बीजेपी में आत्मसात हो गई। गठबंधन तो बहुत होते हैं, लेकिन जो वो गठबंधन था जेजेपी और बीजेपी का, वो बड़ा गजब का गठबंधन था दोस्तों। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो रोज नित नई बात करते थे, एक तरह से दुत्कारा जाता था जेजेपी के लोगों को, लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेता थे कि वो, आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि सत्ता के साथ या सत्ता के अंदर शामिल रहने के लिए वो गठबंधन में बने रहे। बहुत सारे वाकये हुए, ऐसे कई वाकये आए जिसके अंदर की जो जनहित की बातें थी और जिन मुद्दों पर जननायक जनता पार्टी यानी कि जो चौधरी देवीलाल के असूलों आदर्शों पर चलने वाली पार्टी बताई गई, उसके पास कई मौके आए। लेकिन जननायक जनता पार्टी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी तरह से सरकार के साथ जुड़ी रही। समय बढ़ता चढ़ता गया, किसान आंदोलन पार्ट 1, किसान आंदोलन पार्ट 2, किसान आंदोलन पार्ट 3 सारे हुए और कई आंदोलन हुए, युवाओं के आंदोलन हुए, लेकिन किसी भी मसले पर जननायक जनता पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का या अपनी सरकार के बारे में एक शब्द तक भी नहीं कहा। हालांकि दावा कर सकते हैं अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला कि वो किसानों के समर्थन थे, किसानों के हितैषी थे, लेकिन जब जब चुनाव आया तो चुनाव में किसानों ने बता दिया कि आप हमारे कैसे हितैषी थे। खैर, गठबंधन चलता रहा, इसलिए मैं कह रहा था कि गठबंधन तो बहुत होते हैं, लेकिन ये ऐसा गठबंधन था जेजेपी और बीजेपी का कि एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज दुत्कारते थे जननायक जनता पार्टी के लोगों को, गठबंधन तोड़ने की बात होती थी, तमाम बातें चलती थी, लेकिन जननायक जनता पार्टी के लोग लगातार साथ चलते रहे। फिर वो दिन आया 12 मार्च 2024 का कि जब हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को रुखसत कर दिया गया। उस दिन दुष्यंत चौटाला दिल्ली में थे, मिलने गए थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन तमाम लोगों से मिलना चाहते थे और चाह रहे थे कि उन्हें भैया एनडीए में शामिल करके उन्हें के साथ भी कोई ठीक ठाक जुगाड़ बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी सलाह मशवरा के, जेजेपी से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ था उनको अलग करने का, या उनका जो समर्थन था उनको समर्थन वापस, भैया अपने समर्थन को अपने घर रख लो, हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा। बड़े चुपचाप से 12 तारीख को अचानक मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया और नायब सिंह सैनी ने बिना जेजेपी के अपनी सरकार बना ली, अपने समर्थक लोगों की चिट्ठी दे दी कि ये हमारे समर्थक हैं 47 लोग। यानी कि जननायक जनता पार्टी को यूं निकाल दिया गया कि जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। 14 तारीख को फिर एक वाकया हुआ, 14 मार्च को, कि मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला की हरियाणा के चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास में मीटिंग होती है। लोगों के बीच फिर सवाल कौन थे कि आखिर ये क्या हुआ, जब गठबंधन टूट गया था तो फिर मीटिंग कैसी। और उसके बाद जब चुनाव दोस्तों शुरू हुआ, चुनाव जब शुरू हुआ लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में भी जननायक जनता पार्टी के जो कैंडिडेट उतारे गए उससे कई लोगों में ये संदेश अग्रेषित होने लगा कि यहाँ भी भाजपा की मदद की जा रही है। लोगों में मैसेज गया और लोगों को लगा कि जननायक जनता पार्टी आज भी उनके साथ है, उनकी मदद कर रही है। और आप इसका परिणाम मान सकते हैं कि जहां जहां दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए उनका विरोध भी खूब हुआ और चुनाव परिणाम के अंदर बिल्कुल एक तरह से माने तो जेजेपी का भट्ठा बैठ गया, 1% वोट भी नहीं मिली।
यानी कि जिस तेजी से बढ़ी थी उस तेजी से धड़ाम जमीन पर आ गई, सारे कैंडिडेट चुनाव हार गए। इसके साथ साथ जो पार्टी के विधायक थे वो भी एक एक करके धीरे धीरे बाहर होने लगे। लोगों के अंदर ये मैसेज हो गया कि जननायक जनता पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने हमेशा ये कहा कि वो आगे 90 की 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन जनता के बीच या जो पॉलिटिकल असेसमेंट करने वाले लोग हैं उनके बीच एक मैसेज चलने लगा। इधर बीजेपी को एक बड़े जाट नेता की ज़रूरत है, एक जाट चेहरा। हालांकि वो किरण चौधरी को शामिल कराया, लेकिन किरण चौधरी के मामले को लेकर क्या चल रहा है मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। चौधरी धर्मवीर ने तो अभी से ही हथियार डाल दिए हैं, अगली बात भी आपसे करेंगे। लेकिन जाट नेतृत्व, जाट नेता कौन मिले बीजेपी को, इसकी तलाश भी है और बीजेपी को नुकसान भी हुआ लोकसभा चुनाव में। इधर जननायक जनता पार्टी को नुकसान हुआ, तो एक प्रकार का एक सोशल फॉर्मूला चला दिया गया, क्योंकि हरियाणा के अंदर राज्यसभा की सीट खाली है। हरियाणा के अंदर राज्यसभा की सीट खाली है जिस पर चुनाव होना है, और लगभग आप तय मानकर के चलिए कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ये राज्यसभा का मेंबर भी बीजेपी का बनेगा। और एक चर्चा चला दी, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, भले ही आज दुष्यंत चौटाला सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां कर रहे हों, लेकिन बिना चिंगारी के कहीं धुआं नहीं उठता, बिना चिंगारी के कहीं पर भी धुआं नहीं उठा करता। तो ये बात चल पड़ी कि अजय सिंह चौटाला के जो बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला, यानी कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनको तो राज्यसभा की मेंबरशिप और उसके साथ में सेंटर में मिनिस्टर पद, और दूसरा जो उनके छोटे बेटे हैं दिग्विजय चौटाला, उनको संगठन में बढ़िया कोई पोस्ट। यानी कि ये एक फॉर्मूला तय कर दिया कि जेजेपी का बीजेपी में विलय हो जाएगा। हालांकि ये बात गले उतरने वाली कम है, गले उतरती नहीं है, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया कि ये बात नहीं है। इस सब के बावजूद इनका जो बेस निकला, जो सोर्स बना और जो बातें चली कि जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी सत्ता के नज़दीक होने के लिए, सत्ता के नज़दीक रहने के लिए 2019 से और 2024 यानी कि 12 मार्च 2024 तक जैसा भी सारा चला, उस सब को देखते हुए लोगों ने शायद ये कयास लगा लिए हों कि जेजेपी बीजेपी के अंदर मर्ज हो सकती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कह दिया कि हम बिल्कुल भी मर्ज नहीं हो रहे और उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। खैर ये अगला मसला है, उनके अपने देखना है कि किस पर क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब 3 महीने बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच जाएगी, हरियाणा का विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे उचाना विधानसभा क्षेत्र से 50,000 से ज़्यादा वोट से 2019 में, और अब लोकसभा चुनाव में उसी उचाना में दुष्यंत चौटाला की माताजी नैना चौटाला बड़ी शर्मनाक स्थिति में पहुंच गई। उनकी जमानत जब्त वाली स्थिति रही उचाना विधानसभा में भी, मात्र 5,000 के आसपास वोट मिले। आखिर फिर जननायक जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में कौन सा ठौर बनेगा? जननायक जनता पार्टी जिसके कि बहुत बड़े दावे थे, क्या अगले विधानसभा चुनाव यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कहीं टिक पाएगी? अब बड़े सवाल ये उठते हैं कि क्या इसके पीछे जो बात चली कि जेजेपी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी, क्या इसके पीछे कोई बेस भी था या ये आधारहीन खबर थी? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी के अपना वजूद वापस भी बना पाएगी? और आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला जो समय होगा हरियाणा के अंदर, यानी कि 3 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें स्थिति क्या रहेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।